हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लोकी स्थर अनलिमिटेड स्टडीज हूँ तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट है हमारी प्रैक्टिस टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम बेहतर बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपने पास इफ अल्फ़ा वन अल्फा टू एंड अल्फ़ा थ्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू दावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो देन वन माइनस अल्फ़ा वन वन माइनस अल्फा टू वन माइनस अल्फ़ा थ्री तो आपको बताना है x टू दी तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी किसके इक्वल होगी तो देखिए अपने पास कंडीशन क्या है x टू दी पावर फोर माइनस वन जिसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर फोर माइनस वन की पावर फोर इक्वल्स टू जीरो ये बन जाएगा एक्सेस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एक्सेस इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे और उन फैक्टर्स को तोड़ करके फिर मेरे पास एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है तो x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा हमारे पास आ चुका है तो रूट्स हमारे पास कितने आ गए वन वन माइनस माइनस वन ओके एंड आयोटा एंड माइनस आयोटा तो देखिए अगर मैं कहीं पर भी कह रहा हूँ वन माइनस अल्फ़ा वन वन माइनस अल्फा टू वन माइनस अल्फा थ्री अगर मैं कहीं पर भी एक्स की जगह अल्फ़ा वन की जगह वन रख दूंगा क्योंकि तीन रूट्स है, तो हैं तो अल्फा वन रखता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा बट जीरो ऑप्शन में है नहीं मतलब मुझे एक रूट जीरो नहीं रखना है बाकी जो बच रहे हैं वो रखना है तो मैंने एक जगह क्या रखा माइनस वन तो माइनस वन रखने से अपने पास में ये क्या हो गया देखिए माइनस वन मैंने रखा है ओके तो एक सेकंड पेन सेक्ट कर लीजिए ओके तो जैसे माइनस वन मैंने यहाँ पे रखा तो वन माइनस माइनस वन कितना हो गया माइनस टू ओके और ये कितना हो गया भाई साहब वन यहाँ पर रखा मैंने आयोटा तो वन माइनस आयोटा हो गया ये और ये हो गया कितना वन माइनस माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा तो अब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया वन माइनस आयोटा वन प्लस आईओटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हमारे पास हो चुका है सॉरी ये प्लस टू रहेगा तो पहला वाला प्लस टू हो गया और ये फिर बन गया वन माइनस आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन ये भी बन गया अपने पास वन प्लस वन तो ये भी बन गया टू तो टू इंटू टू फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ चुका है फोर सो फोर इज़ अवर करेक्ट आंसर चलिए इस क्वेश्चन को करने की सेकेंड मेथड हमारे पास में है बहुत अच्छी मैथड देखिए सेकेंड मेथड क्या है यहाँ पे x की पावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो है ओके okay? क्योंकि इसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं और एक कंडीशन तो ये एक्स की पावर फोर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक तो रियल रूट एक्स इसका फैक्टर एक्स माइनस वन बनेगा दूसरे मैंने मान ली एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फ़ा टू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री एक तो ये चीज़ हो गई ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे x की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन में नीचे लेके आता हूँ तो एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि उसको वैल्यू चाहिए वन माइनस अल्फा वन वन माइनस अल्फ़ा टू वन माइनस अल्फा थ्री मतलब यहाँ पे x की जगह पे वन डालना है बट यदि मैं वन डालता हूँ तो वन माइनस वन और वन माइनस वन किसकी फॉर्म बनती है जीरो अपॉन जीरो की तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू वन लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि जीरो बाई जीरो अवॉइड करना है लिमिट एक्सटेंस टू वन एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू वन दिस दिस एंड दिस वैल्यू पुट कर दी और फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर क्योंकि फॉर्मूला होता है एन ए टू दी पावर एन माइनस वन सो दिस विल बी फोर मल्टीप्लाई बाई वन हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई तो टोटल मेरे पास फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई फोर आ गई जो कि बहुत अच्छी मैथड है इसकी सो दिस इज़ गुड वन डन चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक बार फिर से क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम लेके आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड सी एन डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ दिस ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी बी प्लस डी तो इसको कैसे करते हैं ये देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखिए क्या कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन के जो हैं ए एंड बी हैं तो कि राइट right प्राइस में हमारे पास क्या आना चाहिए वन आना चाहिए मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना है वन है तो मैंने मान लिया कि इसके दो रूट्स हैं एक है अल्फा एक है बीटा ओके सो मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा कितने हैं वन बाई टू कॉमा वन है टू एंड वन बाई टू सॉरी टू एंड वन बाई टू तो लेट द रूट्स आर टू एंड वन बाई टू तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से कंपेरिजन मेथड से पी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस फाइव बाई टू चलिए पी की वैल्यू संभाल के रखिए देन अगेन कह रहा है इसके रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन जो इक्वेशन हमारे पास में है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन हमारे पास में इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन के रूट्स हमें कितने लेने हैं हम इसके रूट्स फिर से ले लेते हैं क्या है? ले लेते हैं वन बाई थ्री कामा थ्री तो वन बाई थ्री कामा थ्री इसके रूट्स हम ले लेते हैं ओके okay? तो वन बाई थ्री थ्री रूट्स लेने से क्या इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स माइनस टेन बाई थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्यू इक्वल टू हो गया माइनस टेन बाई थ्री ओके अब देखिए कंडीशन में क्या दी गई है ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी बी प्लस डी तो यहाँ से जो रूट्स हमारे आए थे उनके नाम इन लोगों ने क्या दिए थे ए बी सी डी तो ये हमारे पास पहला चीज़ है ए है ये बी है और दूसरा क्या आया था ये सी और डी ये देखिए ए और बी इनका नाम था बीटा का नाम ए इक्वल्स टू टू है बीवल्स टू वन बाई टू और सी इक्वल्स टू कितना है, three, C equals to by है और डीवल्स टू कितना ले लिया अपन ने थ्री ले लिया ओके तो इसको पुट करते जाइए देखिए यहां पे पुट करिए ए की जगह सी की जगह बी की जगह डी की जगह तो करेक्ट आंसर आपके पास सॉल्व होने के बाद कितना आएगा 175 हंड्रेड सेवेंटी अब ऑप्शन में चेक करिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो सेटिस्फाई करेगा क्यू स्क् माइनस पी आंसर क्या हुआ इसका ऑप्शन हुआ तो तो सॉल्व करने का दूसरा एक और है, मैं आपको बता देता हूं देखिए उसको पूरा है, थोड़ा टाइम तो दी गई है अपने तो इसमें क्या दिया गया इसके रूट है और बी तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना माइनस वन और ए इन बी कितना हो जाएगा वन और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो जिसके रूट है सी एंड डी तो सी प्लस डी इक्वल टू माइनस का क्यू एंड सी इन टू डी का मतलब कितना हो गया वन तो अब आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो देखिए किसकी वैल्यू पूछी जा रही है अब आपसे ये क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको पीछे दिखाता हूँ ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी बी प्लस डी ओके तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है ए माइनस सी ए माइनस सी बी माइनस सी और ए प्लस डी और बी प्लस डी थोड़ा सा यहाँ अरेंजमेंट करना देखिए ए और बी की वैल्यू क्या बन रही है वन बन रही है और साथ ही साथ ए प्लस बी है माइनस पी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो ए माइनस सी है ओके और बी माइनस सी यहाँ पर दिया गया है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ए माइनस सी को बी प्लस डी के साथ ले लेता हूँ ठीक है ना जिससे कि सी और डी की भी जोड़ी बन जाएगी फायदा रहेगा हम लोग का तो ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस डी ले लिया मैंने ओके एंड बी माइनस सी मल्टीप्लाई मैंने क्या ले लिया ए प्लस डी इससे फ़ायदा ही होने वाला है पहला मेरे पास बन जाएगा ए बी दो दो टर्म मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ए बी प्लस का कितना हो गया ए डी और माइनस का कितना हो गया बी सी और प्लस का कितना हो गया बी डी ठीक है जी ये हो गया और देखिए सॉरी माइनस का बी डी कहाँ आएगा भाई सी डी आएगा ना तो ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू डी ए डी और माइनस सी इन बी माइनस बी सी एंड माइनस सी इंटू डी तो यहाँ पे आएगा माइनस का सी डी ओके इसको सही कर लीजिए ये है माइनस का सी डी अगला देखिए ए इंटू बी हो गया ए बी प्लस बी इंटू डी हो गया बी डी माइनस ए इंटू सी और माइनस सी इंटू डी चलिए ठीक है यहाँ पे अब आप देखिए ए बी की वैल्यू कितनी थी वन और सी डी की वैल्यू कितनी थी वन तो ए बी और सी डी दोनों किसके इक्वल है वन के इक्वल है तो ए बी और सी डी यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से भी ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे ठीक है ना तो अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन चुकी है अब आपके पास एक्सप्रेशन जो बन चुकी है वो बन चुकी है ए डी माइनस बी सी ए डी माइनस बी सी और प्लस इंटू बी डी माइनस ए सी ओके बी डी माइनस ए सी ठीक है तो अब क्या करिए अब चलिए इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है ना अब इसको हम लोग क्या किया करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ए डी इन बी डी ये क्या बन जाएगा मेरे पास ये बन जाएगा ए बी डी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी डी और माइनस बी स्क्वायर सी डी और प्लस क्या आ जाएगा भाई बी AB है ए बी सी का स्क्वायर ये मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं देखिए अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है वन है ठीक है ना ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है वन और यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी आ रही है वन यहां से भी सी डी की वैल्यू कितनी है वन यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी वन तो सबकी वैल्यू वन रखने के बाद ये बन गया मेरे पास डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का कितना सी स्क्वायर ये चीज मेरे पास आ चुकी है ओके okay. ठीक तो अब कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी हो चुकी है ये हमारे पास ऐसा बन चुका है अब देखिए अब सोचिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं तो देखिए यहाँ से एक ज़बरदस्त आइडिया आया है मुझे अगर मैं प्लस टू एड कर दूँ और माइनस टू माइनस कर दूँ यदि मैं इसमें प्लस टू ऐड कर दूँ और मैं माइनस टू अगर यहाँ पे सब ट्रैक कर दूँ देखिए माइनस टू तो क्या सिचुएशन बनेगी यदि मैंने प्लस टू ऐड कर दिया एंड माइनस टू सब्ट्रैक कर दिया तो फिर क्या हो सकता है इसमें मेरे साथ में मैं यदि यहाँ पर मैंने डी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और यदि प्लस का मैंने टू ले लिया ठीक है ना डी स्क्वायर प्लस का टू स्क्वायर और यह ले लिया मैंने प्लस का टू तो मुझे यहाँ पे डी सी बनाना पड़ेगा और मैं बना भी सकता हूँ क्योंकि डी सी की वैल्यू कितनी है वन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पे और यदि मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया और माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस टू आ गया है और यहाँ मुझे ए बी चाहिए तो वो भी हो जाएगा क्योंकि वन की वैल्यू किसके इक्वल है ए बी की इक्वल है तो यहाँ में मैं ए बी रख सकता हूँ तो यहाँ से देखिए ये क्या बन चुका है ये बन चुका है डी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये बन चुका है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और डी प्लस सी इक्वल है डी प्लस सी है माइनस क्यू के इक्वल तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर एंड दैट इज़ योर आंसर